प्रियो, आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला वो पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसके 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रियो, सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 6 पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रियो एक अद्भुत बात कर रहा है और कह रहा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। पता है, कई बार हम लोग अपने वचन को बोने से घबराते हैं, हम घबरा जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं कि पता नहीं ये बीज फलवंत होगा या नहीं होगा। मैं बीज बो तो रहा हूं वचन का लोगों के हृदय पे, लोगों की भूमियों पर क्या वो फलवंत होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जीवनों के ये प्रश्न हो सकते हैं। बहुत सारे जीवन आज शाम ये कह सकते हैं कि हम तो लगातार काम कर रहे हैं, प्रभु का वचन बांटते हैं लोगों से, पर लोग ग्रहण नहीं कर रहे, लोग उन वचनों पर नहीं चल रहे, लोग सुनना नहीं चाहते। प्रियो, प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि जो परमेश्वर के कलाम में है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वे या दोनों के दोनों। परमेश्वर कह रहे हैं प्रियो, हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा बोया गया बीज सफल होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें अपना हाथ नहीं रोकना है। हालेलुया। हमें सर्वदा लोगों को वचन देना है, चाहे वो कितने भी हठीले हों, कैसा भी उनका स्वभाव हो, हमें अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करनी है। परमेश्वर कह रहे हैं हमें बो देना है, हमें बीज को लेना है और बो देना है। मालूम है, किसान एक अद्भुत काम करता है। आपने कभी किसान को बीज बोते हुए देखा है? किसान जब बीज बोता है, पता है वो बस फेंकता जाता है। जो लोग गांव में रहे होंगे वो लोग जानते हैं, वो बीज को बस उछालता जाता है, फेंकता जाता है। उसे इस बात से मतलब ही नहीं होता कि बीज कहाँ गिर रहा है, कैसे पड़ रहा है, बस वो फेंकने से मतलब रखता है। हालेलुया। उसे इस बात से मतलब नहीं है, वो देखता भी नहीं है कि कौन सा बीज उगेगा कौन सा नहीं उगेगा, उसे इस बातों से मतलब ही नहीं है। प्रियो, उसका काम सिर्फ बोना है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपका काम जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने सौंपा है वो ये है कि मैं अपना काम करूं, मैं अपना बीज, परमेश्वर के राज्य का बीज मैं बोता जाऊं। हालेलुया। मरकुस उसके 4 अध्याय और उसके 31 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है। प्रियो, मरकुस 4 अध्याय और उसके 31 में पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वे राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। ये बात हो रही है परमेश्वर के राज्य की। परमेश्वर का वचन बता रहा है परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। परमेश्वर कह रहा है बहुत छोटा बीज होता है राई के दाने का बीज, आपने देखा होगा प्रियो, बहुत छोटा सा बीज होता है। पर परमेश्वर ने आगे एक बात कही 32वें आयत में, परंतु जब बोया गया, जब तक वो आपके हाथ में है तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, शायद आपको उसकी सामर्थ्य का अंदाज़ा नहीं है, शायद हमें उसकी सामर्थ्य का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि इसमें कितनी सामर्थ्य पाई जाती है, जब तक वो आपके हाथ में अर्थात आपके भीतर है। पर वचन कह रहा है जब वो बोया गया, हालेलुया, इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी। परमेश्वर कह रहा है कि यदि वो आपके हाथ में है, आपको उसकी सामर्थ्य का अंदाजा नहीं है। वो बीज छोटा है, राई के दाने का बीज बहुत छोटा है, लेकिन जब वो बोया जाता है तो उग कर सब साख पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया, इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी प्रियो। हो सकता है जब आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन जैसे ही जिस घड़ी आप लोगों के जीवनों में उस बीज को बो देंगे, जिस घड़ी आप परमेश्वर के राज्य के बीज को बो देंगे, उसी घड़ी परमेश्वर कह रहा है कि वो जब बड़ा होगा तो वो सारे साग पात से बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, वो सारे साग पात से बड़ा हो जाएगा। आज लोगों के जीवन में हो सकता है बहुत सारे सागपात हों, उनकी डॉक्ट्रिन्स हों, हो सकता है उनके जीवन की चिंताएं हों, हो सकता है आज उन्हें लग रहा हो कि मेरे पास मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ज्ञान बहुत है, मेरे रिचुअल्स बहुत हैं। ये सागपात के मानंद है प्रियो, और इनके सामने वतन आपको छोटा जान पड़ रहा होगा, परमेश्वर का राज्य आपको छोटा जान पड़ा होगा प्रियो। लेकिन प्रभु अद्भुत बात कह रहे हैं जब ये बीज बो दिया जाता है, जब ये वचन बो दिया जाता है लोगों की हृदय रूपी भूमि पर, तो पता है उनके जीवन के साग पात से ये बड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, ये उनके जीवन के साग पात से बड़ा हो जाता है। आज बहुत सारे जीवनों के साग पात शायद बहुत बड़े हैं, इसी कारण से आपको ये लग रहा है कि वचन फलवंत नहीं हो पा रहा। वो वचन में बहुत हटीला पाया जाता है व्यक्ति, उसके जीवन में मैं बो रहा हूं पर वो कामयाब नहीं हो रहा। परमेश्वर कह रहे हैं आप बो दीजिए, एक समय के बाद वो उसके साग पात से बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, उनके जीवन की सारी डॉक्ट्रिन से, उनके जीवन के सारे हटीलेपन से, उनके जीवन की सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर का वचन उनके जीवन में ग्रो हो जाएगा। हालेलुया, और ये काम परमेश्वर का है प्रियो। प्रभु अपने वचन को उससे बड़ा कर देंगे, परमेश्वर का राज्य उनके भीतर बढ़ने लगेगा। पर कई बार लोग इस कारण से प्रचार नहीं करते, कई बार लोग इस कारण से लोगों को वचन नहीं देते, इस कारण से उन्हें वो वर्ड नहीं बांटते कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके भीतर तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, वो परमेश्वर का वचन क्यों सुनेगा। प्रिय प्रभु ने आरंभ में बोला मुझे भोर को भी बोना है, मुझे सांझ को भी बोना है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा फलवंत होगा। ये काम परमेश्वर का है। हालेलुया, आज शाम आप अद्भुत प्रकाशन को पा रहे हैं। प्रभु ने कहा जब वो राई का दाना बोया गया तो सागपात से बड़ा हो गया, और ऐसा बड़ा हुआ कि आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया, पता है जब वो उनके भीतर फलेगा, जब वो वचन उनके भीतर बढ़ेगा, तो पता है औरों के लिए आशीष बन जाएगा। हालेलुया, और लोग उसे देखकर, उसके जीवन को देखकर ब्लेसिंग्स को पाएंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितना खूबसूरत प्रकाशन प्रभु देना चाह रहे हैं आज। प्रभु कह रहे हैं वो उसके साग पातों से बड़ा हो जाएगा और आकाश के पक्षी आएंगे, उस पर बसेरा करेंगे, यानी कि उसके जीवन में ऐसी ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी कि लोग भी उसके द्वारा आशीषों को पाएंगे। सो आपका काम है परमेश्वर के बीज को बोना। आप बो दीजिए, अपना हाथ मत रोकिए, क्योंकि एक समय के बाद परमेश्वर उसे ऐसा बड़ा करेंगे कि लोग उस जीवन को देखकर आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रभु के बहुत सारे आप गवाहियों को सुनेंगे प्रभु में। कई बार जीवन में वचन सालों बाद काम करता है। बहुत सारे जीवन ऐसी गवाही देते हैं, एक कन्वेंशन में गया, एक सभा में गया, वहां मैंने प्रभु का वचन सुना था, पर वचन काम कब करा पता है? 5 साल बाद याद आया, 10 साल बाद याद आया। पर जब वो बदला व्यक्ति तो उसका जीवन ऐसा बदल गया कि लोग आज उसके द्वारा आशीषों को पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बहुत सारे जीवन यहाँ पे ऐसे हैं। भाई सिद्धार्थ हैं, और बहुत सारे जीवन है। प्रभु का वचन जब काम करता है तो वो जानते हैं कि कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म करता है लाइफ को। आज लोग उस भाई के जीवन को देख के आशीष पा रहे हैं, इसके थ्रू आज बहुत सारे आकाश के पक्षी आ रहे हैं और जो इसकी डालियों पे बसेरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा ही होगा प्रियो। प्रभु कह रहे हैं ये आपका काम नहीं है, आप जज मत करिए कि मैं कहाँ बोऊं कहाँ नहीं बोऊं, आप बस बोने का काम करिए। फलवंत करना परमेश्वर का काम है। प्रभु उस बीज को फलवंत करेंगे और ऐसा फलवंत करेंगे कि वो उनके जीवन के हर एक बात से बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप कहने पाएंगे इस जीवन को देखिए, इस लोगों को देखिए, कैसा इसका जीवन था पर आज ये बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य उस बीज के मानिंद था जो आरंभ में राई के दाने के समान था, पर आज उसकी ऐसी शाखाएं हो गई हैं, आज उसकी डालियां निकल आई हैं, आज उसमें अंकुर फूट निकले हैं, आज वो लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन गया है। आज आकाश के पक्षी उस पर आकर बसेरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की आत्मा में इस बात को डिक्लेयर करना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रियो, आपके जीवन परमेश्वर ऐसे ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है कि आकाश के पक्षी अर्थात बहुत सारे जीवन आप लोगों को देखकर आशीष में होने जा रहे हैं, आप लोगों को देखकर बदलने जा रहे हैं, आपके जीवन की साक्षियों को देखकर बदलने जा रहे हैं प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है। आज शाम में मैं इसे डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं प्रियो, आने वाले समय में परमेश्वर ऐसे काम आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आपके जीवन में उस जो बीज बोया गया था वो आरंभ में राई के दाने के बराबर था, पर आज वो बढ़ चुका है और आने वाले समय में और बढ़ेगा और बढ़ेगा। वो ऐसा बढ़ेगा कि आपके जीवन से अब लोग आशीष को पाएंगे, अब लोग आपके जीवनों से आशीष को पाने जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया। मैं प्रभु में इन बातों को डिक्लेयर करता हूँ और मैं जानता हूँ कि प्रभु ऐसा करने पर है। उम्मीद करता हूँ आज शाम आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं। सबोपदेशक 11:6, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करें इस वर्ड को प्रियो, रिसीव करें इस वर्ड को अपने जीवन के लिए, रिसीव करें इस अनॉइंटिंग को अपने जीवन के लिए। लॉर्ड आपके जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं। प्रभु आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को जीतने जा रहे हैं, बहुत सारी आत्माओं को जीतने जा रहे हैं। मैं एक बड़े जालों को आप लोगों के हाथों में देख रहा हूँ प्रियो, एक बड़े जालों को आपके हाथों में देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मछलियां उन जालों में फंस रही हैं। यीशु के वचन के अनुसार जैसा उसने पतरस से कहा कि यहाँ पे जाल डाल तो तू मछलियों को पाएगा, वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बहुत सारी मछलियों को अर्थात बहुत सारे मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य के निमित्त इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रियांदरलबा बीखांदरी रिखांदरला रिखांदरलबी शिखांदरलबी तकिना रिखांदरलबी। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज शाम आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं, इस भविष्यवाणी के वचन के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो आप अपने लोगों को प्रभु इस समय देने जा रहे हैं। प्रभु इस भविष्यवाणी के वचन को आपके लोग ग्रहण करने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये भी उस राई के दाने के बीज को बो दे प्रभु, ऐसा ही है आपने कहा। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि वो फलवंत होने जा रहा है, मैं जानता हूँ वो बढ़ने जा रहा है परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु बहुत सारे लोग आ रहे हैं, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न शहरों से, विभिन्न देशों से लोग आएंगे प्रभु इन लोगों के पास, और ये लोग तेरे वचन को उनके हृदय की भूमियों पर बोएंगे परमेश्वर, और प्रभु वो आशीष बनने जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ इस उत्तम प्रकाशन के लिए, इस उत्तम वचन के लिए पिता। आज शाम अपने लोगों को प्रभु आपने आसूदा किया है पिता, आपने भर दिया है पवित्र आत्मा जी। मैं चाहता हूँ कि अभिषेक इनके जीवनों के ऊपर बना रहे, ये अनॉइंटिंग इनके जीवनों से फ्लो होने पाए प्रभु। लॉर्ड अपने दास की प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वो डायमंड्स हैं, ये वो हीरे हैं जो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बने जा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं देख रहा आप इनके जुबानों को अनॉइंट कर रहे हैं, मैं देख रहा प्रभु कि आपका अभिषेक इनकी जुबानों पर आ रहा है। हाँ परमेश्वर, आप जब ये बातें करेंगे पिता, आपके वचन जब इनके मुंह से निकलेंगे तो लोगों के हृदय बदलेंगे, लोगों के जीवन तब्दील हो जाएंगे। लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ इस अभिषेक के लिए। ओ जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आत्मा में एक भाई को देखा है। इस समय परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय से बात कर रहा है। इस समय परमेश्वर का हृदय उसे पकड़े हुआ है, उसकी धड़कने बढ़ रही है परमेश्वर के कलाम को सुनकर। वो चाह रहा है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे अंदर ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा, मेरा जीवन क्यों नहीं बदला। प्रभु आज से कह रहे हैं आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। अब से तो और ही मनुष्य बन जाएगा, ऐसा प्रभु दिखाते। अब से तो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। परमेश्वर ऐसी बातें आपके हृदय के लिए करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपसे प्रार्थना है जितने लोग आज तेरे इस अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु अपन के जीवन में शीघ्रता से इन कामों को करें, शीघ्रता से खोलें। प्रभु ओपन डोर्स लॉर्ड, प्रभु द्वार खोलें, स्वर्ग का द्वार खोलें पिता, और अपने लोगों को आशीष स्वर्गीय मन्ना बरसाएं परमेश्वर, लोगों के जीवन बदलने पाए प्रभु यीशु के नाम।